हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डीबीएमएस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो JUIT का एग्ज़ाम हो, जूनियर ऑफिसर का हो या किसी भी फील्ड का हो, उसमें डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको कहा था कि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में 2 से 3 हज़ार के बीच में JUIT की पोस्ट आने वाली है। तो लास्ट मंथ JUIT की 1150 पोस्ट आई थी, जिस एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ किया था हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट वीक उसमें 500 समथिंग पोस्टें और ऐड की गई थी, तो टोटल अब पोस्ट हो चुकी हैं 1756। तो आई होप आप सभी लोगों ने उस टेस्ट को फिल कर लिया होगा, क्योंकि उस टेस्ट को फिल करने की एलिजिबिलिटी थी +2। कोई भी +2 पास है तो उस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। तो सभी ने उसको फिल कर लिया होगा और सभी से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हो, तो मैं आपका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड, आपके पास चार ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, मेटा डेटा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की खुद से कोशिश करो, ठीक है, और लास्ट में जरूर कमेंट करना कि आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा, तो जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा, मैं हर एक ऑप्शन का आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डेटाबेस। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपके पास मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। ओके, इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आर द सेम थिंग। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब भी हम किसी डेटा को मीनिंगफुल मैनर में कन्वर्ट करते हैं कि उसको कोई भी ह्यूमन बींग यूजर कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो आपकी क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका डेटाबेस, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, DBMS मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन डैश एंड डेटाबेस। चार ऑप्शन हैं, यूजर्स, क्लाइंट, एंड यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंड यूजर्स। तो डेटाबेस किसके और किसके बीच में इंटरेक्शन को मैनेज करता है, एंड यूजर्स और डेटाबेस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन DBMS। ओके, तो एंड यूजर्स, डेटा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट एंड HTML। तो जो एंड यूजर्स होते हैं वो भी डेटाबेस में इन्वॉल्व होते हैं, डेटा भी इन्वॉल्व होता है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी आपकी इन्वॉल्व होती है। तो HTML जो होता है वो आपका DBMS में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो HTML क्या है, HTML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी, रिलेशन, एट्रीब्यूट, पैरामीटर, कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ER डायग्राम टॉपिक से। ठीक है, DBMS में ER डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन किससे है आपका, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आपकी एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस आपका क्या होता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस को बनाने से पहले हम उसकी डिफरेंट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटी होती है कोई भी ऐसी चीज जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो, चाहे वो रियल थिंग है या चाहे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, मतलब जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी एक एंटिटी है। अब मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाना है कॉलेज के लिए, तो कॉलेज के लिए डिफरेंट एंटिटीज क्या होंगी जिसके बारे में आप डेटा स्टोर करोगे,
वो आपके स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, कोई और चीज़ होगी, जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मैनेज करते हैं, डेटाबेस में मैनेज करते हैं। तो एंटिटी क्या होगी आपकी, एक स्टूडेंट हो गया, आपका टीचर हो गया, आपकी कार होगी, आपकी लाइब्रेरी होगी, ये क्या है आपकी सारी एंटिटीज हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप सॉरी जिसके बारे में आप डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट होते हैं आपकी एंटिटी की प्रॉपर्टीज, और या आप बोल सकते हो जो भी आपकी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपकी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड, ये सारे क्या हैं, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एंटिटी की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एट्रीब्यूट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द डेटा, चार ऑप्शन है आपके पास, रिलेशन, एट्रीब्यूट, पैरामीटर, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपका डीबीएमएस कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो डीबीएमएस में डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यूनिक कॉन्स्टेंट होते हैं, चेक कॉन्स्टेंट होते हैं, देर आर मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स इन डीबीएमएस, जो किस लिए यूज करते हैं, हम किसी भी डेटा में रिस्ट्रिक्शंस लाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो आपने सभी कॉन्स्टेंट्स को ध्यान से पढ़ना है जो मैंने अभी बताया, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स, फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स, चेक कॉन्स्टेंट, यूनिक कॉन्स्टेंट, नॉर्मल कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपने टॉपिक देखना है कि टॉपिक कौन सा है, तो और उस टॉपिक को आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, IMS स्टैंड फॉर, तो सिंपल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके डीबीएमएस के एसक्यूएल से हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एसक्यूएल होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एसक्यूएल में से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपके जेआईटी एग्जाम में, तो इस चीज को भी आपने ध्यान से पढ़ना है, जितने भी आपकी कमांड्स यूज होती हैं एसक्यूएल में, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। तो आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में आपने डेटा को स्टोर किया है, तो उस डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट, फेच, रिट्रीव या निकालने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसके लिए आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका डीबीएमएस लैंग्वेजेस का, ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो टॉपिक है डीबीएमएस लैंग्वेजेस, तो डीबीएमएस की चार लैंग्वेजेस हैं, एक होती है आपकी डीडीएल, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी होती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड इज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फोर्थ इज टीसीएल, दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो हर एक लैंग्वेज के अंडर डिफरेंट कमांड्स आती हैं, सॉरी, लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कमांड्स आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीएल के अंदर कौन सी कमांड्स आती हैं, डीएमएल के अंदर कौन सी कमांड है, देन डीसीएल के अंदर कौन सी है, टीसीएल के अंदर कौन सी है। तो अभी एक मैं एग्जाम देख रहा था, तो उस एग्जाम में पूछ लिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएमएल स्टेटमेंट, तो उसमें आपके पास चार ऑप्शन थे, तो चार में से आपने बताना था कि इन चारों में से कौन सी डीएमएल कमांड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको हर चीज डिटेल में पता होनी चाहिए कि डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हैं, डीएमएल के अंदर कौन कौन सी कमांड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओके। तो आई होप आप सभी ने टॉपिक को नोट कर लिया होगा, दैट इज डीबीएमएस लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 8, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू डेटा इन अ डेटाबेस, तो अब आपने क्या करना है, डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करोगे, आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एड न्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट इन टू, ऑप्शन सी एड रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इंसर्ट न्यू, ठीक है। तो जब आप डीबीएमएस लैंग्वेजेस पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई किसी भी डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंसर्ट इन टू, ओके। तो इंसर्ट इन टू हम यूज करेंगे किसी भी डेटाबेस में नया डेटा
इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विद एसक्यूएल हाउ डू यू सिलेक्ट अ कॉलम नेम्ड फर्स्ट नेम फ्रॉम अ टेबल नेम्ड पर्सन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक डेटाबेस है, एक टेबल है पर्सन नेम का, तो उस टेबल में आपने डिफरेंट रिकॉर्ड्स सेव किए हैं, स्टोर किए हैं पर्सन से रिलेटेड। जैसे एक कॉलम में है आपका पर्सन आईडी है, पर्सन नेम है, पर्सन ईमेल एड्रेस है, पर्सन आईडी, पर्सन आधार नंबर है, पर्सन एज है, पर्सन सैलरी है। तो इतने पांच या छह कॉलम में से आपने सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले करवाना है, दैट इज फर्स्ट नेम वाला कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम वाला कॉलम डिस्प्ले करवाने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज करोगे दिए गए तीन ऑप्शन में से। तो आपके पास ऑप्शन ए है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन, ऑप्शन बी सिलेक्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ऑप्शन सी सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन। अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक कॉलम डिस्प्ले करवाना है, एक कॉलम को निकालना है डेटाबेस में से, तो आप सिलेक्ट के बाद क्या लिखोगे, उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपने सभी पर्सन का रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जिसमें पर्सन आपका डेटाबेस का नेम है। तो यहाँ पे कॉलम को, कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की जगह आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार का सिंबल लगाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, जिसको हम एस्ट्रिक सिंबल भी बोलते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो पूरे डेटाबेस को फेच करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। अगर पर्टिकुलर कॉलम आपने डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम पर्सन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद एसक्यूएल हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल नेम्ड पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद एन ए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपके पास कोई डेटाबेस है पर्सन नेम का, उसमें से आपने ऐसे पर्सन निकालने हैं, ऐसे पर्सन का सारा रिकॉर्ड देखना है जिनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, जैसे अनिल हो गया, अजय हो गया, अभय हो गया। तो ऐसे नेम्स देखने हैं जिनके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट ए है। तो इसके लिए आप कौन सी एसक्यूएल क्यूरी यूज करोगे, तो आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में जो आंसर होगा दैट इज ए। तो मैं चारों क्वेश्चंस को, चारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा कि चारों ऑप्शंस का क्या क्या फंक्शन है। तो इसका मैंने फंक्शन आपको बता ही दिया, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए परसेंट। अब ये जो लाइक है, ये लाइक होता है आपका पैटर्न मैचिंग के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए आपका एक कीवर्ड है लाइक। ठीक है, तो जो फर्स्ट का रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ऐसे पर्सन्स डिस्प्ले हो जाएंगे जिनके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ए है। ठीक है, तो ए से आपने डिस्प्ले करवाने, तो लाइक के बाद आपने सिंगल कोट्स में लिखना है ए और उसके बाद परसेंटेज, मतलब फर्स्ट आपका ए होगा और ए के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन बी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन फेयर फर्स्ट नेम लाइक ए, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसे पर्सन डिस्प्ले होंगे जिनका नाम ए होगा। ऑप्शन सी में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन फेयर नेम फर्स्ट नेम लाइक परसेंट ए परसेंट, तो इसका क्या मतलब है, इसका रिजल्ट होगा कि आपके पास ऐसे पर्सन डिस्प्ले हो जाएंगे जिनका फर्स्ट और लास्ट नेम अल्फाबेट्स कुछ भी हो लेकिन सेंटर में आपका ए होगा। और ऑप्शन डी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंट ए। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन डी का, इसमें ऐसे एम्प्लॉय डिस्प्ले होंगे जिनका, जिनके नाम का लास्ट अल्फाबेट ए होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन लास्ट अल्फाबेट ए होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे हमने एक और यूज किया है वेयर। वेयर हम यूज करते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया था, आपसे कंडीशन पूछ ली गई थी कि ऐसे पर्सन चाहिए जिनका नेम का फर्स्ट अल्फाबेट ए हो, तो वेयर हम यूज करते हैं। ये आपका डीबीएमएस एसक्यूएल क्लॉज है वेयर, किसी भी कंडीशन के लिए हम वेयर यूज करते हैं और पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक कीवर्ड यूज करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइक कीवर्ड इन एसक्यूएल, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक यूज होता है आपका पैटर्न मैचिंग के लिए। ओके, तो ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में कि सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके, सो थैंक यू।